हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी मेघालय की सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी के लिए उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आई होप आपने एन का जो लास्ट डेट्स वाला वीडियो था उसे देखा होगा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सो येस डू चेक इट आउट आई विल ट्राई कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हो एंड नहीं भी होता है तो आप डायरेक्टली सर्च करके देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो है वो राइट सो येस एन मेघालय एज आई सेड की इनकी तरफ से फिकेशन आया है सो वन मोर थिंग वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन आई टी एम डॉट ए सी डॉट इन इज़ द वेबसाइट एंड इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है अगर आप इंटरेस्टेड हों अप्लाई करने में तो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है न्यूज़ है इसमें आप देख सकते हैं एट एप्रिल डेट एट फुल टाइम एंड स्पॉन्सर्ड पी एच डी प्रोग्राम सो so, इस पर हम करेंगे क्लिक देन ये नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आफ्टर दै मकैनिकल इंजीनियरिंग देन फिजिक्स में सिर्फ फुल टाइम पी एच डी अवेलेबल है नेक्स्ट केमस्ट्री है देन मैथमेटिक्स एंड एच एस एस है एच एस एस में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है यूरोपियन लिटरेचर एंड जिनियर स्टडीज़ है एंड पार्ट टाइम के लिए या स्पॉन्सर्ड के लिए कम्युनिकेशन अवेलेबल है नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो अगर आप फुल टाइम पी एच डी करना चाहते हैं सो so आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी एच एस एस मैनेजमेंट एक्सेट्रा में या फिर किसी और एलाइट सब्जेक्ट में एंड आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है साथ में आपने मास्टर 60 परसेंट मार्क्स के साथ किया है फर्स्ट क्लास के साथ तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए ओके यहाँ पे गेट की रिक्वायरमेंट नहीं बोली गई है ओके बट एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करते टाइम ऐसा कुछ ना हो बट अभी आपने देखा है अगर ये डिग्री है तो नहीं बट येस अगर बी बी किया हुआ है सेवेंटी मार्क्स के साथ एंड आप पी करना चाहते हैं तो आपके लिए वैलिड गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट है ठीक है सो अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए यहां पे एज लिमिट भी है सो थर्टी फाइव ईयर्स की एज लिमिट है लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की उस तक थर्टी फाइव ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ओके बट वेमेन रिजर्व कैटेगरी एंड पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए इसे रिलैक्स किया जा सकता है जो भी रूल्स है गवर्नमेंट के उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट टाइम स्कॉलर सो सेम ही है ऑलमोस्ट मास्टर्स डिग्री है सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं एंड वन मोर थिंग अगर एच एस एस के फील्ड में मास्टर्स डिग्री है तो so उसके इसमें फिफ्टी फाइव परसेंट का है क्राइटेरिया ओके नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगर बी बी है सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए अगर आप एम्प्लॉय हैं इंडस्ट्री से कॉपरेट हाउसेज से आर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट आपकी एज फिफ्टी एट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर और अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शनस एंड इन्फॉर्मेशन सो रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे लास्ट डेट जो है एलिजिबिलिटी वगैरह को कंसीडर करने की डिटर्मिन करने की वो है क्लोजिंग डेट जो कि एप्लीकेशन की है ओके okay? बाकी यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्ट करते टाइम या स्क्रीनिंग के टाइम उसे हायर भी सेट किया जा सकता है ज़रूरी नहीं अगर आप सबके के सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा हैं तो आप सब शॉर्टलिस्ट हो ओके नेक्स्ट रिटर्न भी हो सकता है इंटरव्यू भी हो सकता है ये सभी इंफॉमेशन बाद में मिलेगी चांसेस हैं कि ऑफलाइन ही होगा बट अगर ऑनलाइन होता है गुड तो अगर नहीं होता तो उस केस में कोई भी टीए डीए पे नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन फीस रुपीज वन थाउजेंड फॉर जनरल ओ बी सी एंड फाइव हंड्रेड फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट्स ओके देन यहाँ पे है पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए तो आप एग्जाम हैं आपको कोई भी फी फी पे नहीं करनी है नेक्स्ट यहाँ पर पी डी एफ दिया है सो प्लीज़ रेगोलेशन को देख लीजिएगा आफ्टर दैट फी स्ट्रक्चर का भी लिंक दिया है तो आप विजिट करके फ़ी को देख सकते हैं कि कितनी फ़ी आपको पे करनी होगी हाउ टू अप्लाई सो दो स्टेप्स हैं स्टेप वन है कि आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है वन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड देन आपको एप्लीकेशन फॉम फिल करना होगा ओके okay? फिर अपना ऑनलाइन अपलीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट ले सकते हैं आप एंड उसे आपको मेल भी करना है अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप इस पॉइंट को मिस कर देते हैं कई हमने इंस्टीट्यूट देखे जिसमें यह प्रोसेस कंप्लीट करना था ठीक है सो so, प्लीज़ ध्यान रखा कीजिए एंड इसमें आपको प्रिंट आउट को सबमिट करना है ई करना है स्टेप वन कैसे पे करना है सो एस ऑनलाइन जो है ऑनलाइन एस का लेट इसके थ्रू करना है सो so, सेलेक्ट करके चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा देन कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन में मेघालय सेलेक्ट करेंगे देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फिर एन मेघालय फी कलेक्शन सबमिट करके आप क्लिक करेंगे देन एप्लीकेशन फ़ीस मेंशन कर दीजिएगा फिर डिटेल वगैरह फिल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं फॉर पेमेंट रेफरेंस नंबर नंबर एंड पेमेंट का जो डेट वगैरह है उसे सेव करके रखिएगा नेक्स्ट है सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं या आई विल ट्राई दोनों ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हो एंड अगर आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं बस आपको फीस जो है वो सेपरेटली पे करनी होगी आफ्टर दैट आप देख सकते हैं एक बार सबमिट हो गया तो फिर मोटिफाइड नहीं होगा एप्लीकेशन देन फाइनल कॉपी जनरेट कर लीजिएगा इनकम्प्लीट होगा या बिना पेमेंट रिसी का होगा या डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा ओके आपका कैंडिडेचर नाउ यहाँ पे है दैट जो ऑनलाइन फॉर्म जनरेट होगा उसकी सॉफ्ट कॉपी बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ई करनी है इस पर्टिकुलर ई मेल आई जो कि है पी एच ठीक है आफ्टर दैट यहाँ पे है कि जो सब्जेक्ट होगा उसमें पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म अपना नाम डिपार्टमेंट जिसके लिए आपने अप्लाई किया एंड जो फुल टाइम या पार्ट टाइम पीएचडी है वो आप सेलेक्ट करेंगे फाइन देन यहाँ पे है ईमेल कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स को एंड जैसा लिखा हुआ है सब सारे रूल्स फॉलो कर दीजिएगा एंड डॉक्यूमेंट्स स्कैंड होने चाहिए फोटो नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इसे भी देखिएगा एंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही अरेंज करके आप उसे अटैच करेंगे सेंड करेंगे फाइन फोटोग्राफ uh, होगी फी रिसीट होगी डी का प्रूफ होगा कुछ नहीं है तो टेंथ का सर्टिफिकेट ओके देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा एंड का सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट या एन अगर आप सेकेंड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म Form के फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है रिसर्च पब्लिकेशन अगर है तो उसका जो फर्स्ट पेज है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी आपको लगानी है एंड येस yes, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है आप पी डब्ल्यू डी के हैं तो वो भी आपको अटैच करना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल से एंड जो लास्ट डेट है वो है थ ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू दे नोटिफिकेशन आएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए सेवनटीथ मे को रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू थर्टी फर्स्ट मे से फर्स्ट ऑफ जून के बीच में होना है ओके ना यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो सेम ई मेल आई डी आप इन्हें मेल कर सकते हैं टेलीफोन नंबर है आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे क्योंकि पहले पेमेंट करना है फिर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे एक बार लिंक देख लेते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा सो so, ये है पोर्टल यहाँ पर आप प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे फुल टाइम या पार्ट टाइम देन गो पे क्लिक करेंगे आफ्टर दैट पे ऑप्शन आ जाएगा सो आप सेलेक्ट करके पेमेंट की डिटेल्स को फिल करेंगे तभी आप प्रोसीड कर पाएंगे ओके सो सबमिट करके इसे ई करना है तो याद रखिएगा एंड yes. so, ये तो दैट इज इट फॉर टुडे ये था आज का वीडियो रेगुलेशन देख लीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग